नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अभिषेक रजक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक का जो आप लोगों ने फर्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग किया था उसके बाद से आपको कॉलेज को अलाट कर दिया गया है, तो अब आपको कॉलेज भी मिल चुका है। लेकिन अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि आपको फ्रिज पर क्लिक करना है या फ्लॉट पर क्लिक करना है, तो इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम इस वक्त यूपी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 यूपी पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल पेज पे हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो एक सूचना आपको मिलेगी जहाँ पे लिखा गया है आवश्यक सूचना। यहाँ पे लिखा गया अभ्यर्थी अपने लॉगिन इन से फ्रीज या फ्लॉट विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो आपको अपने पॉलिटेक्निक में लॉगिन करना है और यहाँ से आपको फ्रीज और फ्लॉट का बटन चुन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, फ्लॉट विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी अपने लॉगिन पर उपलब्ध लिंक द्वारा 3000 रुपये जमा करके अगले चरण हेतु पात्र हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको फर्स्ट राउंड में मनपसंद आपका कॉलेज नहीं मिला है तो आप फ्लॉट का बटन चुन लीजिए, उसके बाद वहां पे एक आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप 3000 रुपये पे करके अगले चरण के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये जो 3000 जमा हो रहा है आपका सिक्योरिटी अमाउंट है, बाद में ये आपके फीस में से कट जाएगा। और वहीं पे दूसरी बात बताई गई है, फ्रीज विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को अपने चयनित सहायता केंद्र पर जाकर अभिलेखों का सत्यापन 11/10/2020 तक कराएंगे। तत्पश्चात अपने लॉगिन पर उपलब्ध लिंक द्वारा निर्धारित संस्था का शुल्क 12/10/2020 तक जमा करेंगे, अन्यथा वह तीसरे चरण तथा काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी सरकारी कॉलेज मिल चुका है तो आपको फ्रीज वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्रीज वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका सीट अलाटमेंट का एक पेज डाउनलोड हो जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस जगह का नाम चुना था वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लीजिए। ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई का समय 11 तारीख तक है। जब आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेंगे वहाँ से, तो आपके लॉगिन में एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप कॉलेज की फ़ीस जमा कर देंगे। तो ये कॉलेज की फ़ीस 12 अक्टूबर तक जमा होगी। तो बस इस तरीके से आप फ्रीज या फ्लॉट का बटन चुन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका भी पॉलिटेक्निक से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसकी रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।